बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, काउंटर्स। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले जो है ना, काउंटर्स हैं क्या। काउंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द वे दे आर क्लॉक। इनके इनको दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ए सिंक्रोनस और एंड सिंक्रोनस। अब यानी कि जो काउंटर है उनको दो हिस्सों तकसीम किया गया है, एक जो होते हैं सिंक्रोनस होते हैं, एक ए सिंक्रोनस होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे कि ए सिंक्रोनस क्या होते हैं और सिंक्रोनस क्या होते हैं। इन ए सिंक्रोनस काउंटर्स कॉमनली कॉल्ड रिपल काउंटर, इनको जो है ना रिपल काउंटर्स भी कहते हैं। द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय द एक्सटर्नल क्लॉक पल्स एंड देन ईच सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रोसीडिंग फ्लिप फ्लॉप। यानी कि जो सिंक्रोनस आपके पास काउंटर्स होते हैं, सबसे पहले हमने कहा कि ए सिंक्रोनस क्या है, उनको रिपल काउंटर्स भी कहते हैं। ए सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना, यानी कि इनपुट दे रहे हैं और आपके पास आउटपुट आएगी। अब सिंक्रोनस क्या है, इन सिंक्रोनस काउंटर्स द क्लॉक इनपुट इज कनेक्टेड टू द ऑल, यानी कि ऑल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप सो दे आर क्लॉक साइमल्टेनियसली। कि आपने एक ही दफा में सारी की सारी यानी कि इनपुट दे दिया, यानी कि इकट्ठे ही इनपुट दी जाएंगी और इकट्ठे ही डाटा शिफ्ट होगा। उसमें क्या था कि स्टेप बाय स्टेप डाटा इनपुट होगा, इसमें क्या कि इकट्ठा यानी कि सारे आपस में फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड होंगे तो सारा का सारा डाटा जो है ना इकट्ठे ही जाएगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एसिंक्रोनस काउंटर्स। अब देखें द टर्म एसिंक्रोनस, जिसमें हमने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा। द टर्म एसिंक्रोनस रेफर्स टू इवेंट्स दैट डू नॉट हैव फिक्स टाइम रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड जनरली डू नॉट ऑकर एट द सेम टाइम। कि ये एक ही टाइम ऑकर नहीं होते और इनका जो है ना यानी कि एक दूसरे से एक ही टाइम में कनेक्ट नहीं होते। अब देखें हमारे पास है अ 2 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स, जो 2 बिट के यानी कि सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स होते हैं। यानी कि दो फ्लिप फ्लॉप होंगे, जितनी हमारे पास बाइनरी रिक्वायर्ड होगी उतनी ही हमारे पास फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। अगर 2 बिट है तो 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे, तो F0 F1। अब देखें ये वाली जो आपके पास इसकी जो सैम्बल लॉजिक डायग्राम है वो किस तरह से बनानी है, कि एक डी होगी इनपुट, सी क्लॉक होगी आपकी, जो इसकी डी इनपुट है वो इसकी यानी कि जो क्यू बार आउटपुट होगी, एक तो क्यू आउटपुट होगी जो इसका इन्वर्ट होगी क्यू बार, वो उससे कनेक्ट होगी और ये जाके इसकी पहली क्लॉक बनेगी। फिर डी वन इसी तरह से उसकी अपनी यानी कि इन्वर्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। अब अगर तीसरा फ्लिप फ्लॉप लेते तो ये वाली जाके उसकी क्लॉक से मिलनी थी और जो डी आनी थी वो अपनी इन्वर्ट आउटपुट से मिलनी थी। अब इसको बनाने, इसके टेबल बनाने का तरीका कार क्या है। देखिए टेबल अगर 2 बिट है तो हमारे पास कितनी उसकी स्टेट्स हो सकती हैं, हमारे पास यानी कि 4 स्टेट्स होंगी। तो सबसे पहले तो 0 0 इनिशियल होती है हर किसी के लिए। अब जब इसको टेबल बनाने का तरीका क्या है, पहले हम लिखते थे यहाँ से यानी कि 0 0 यहाँ से स्टार्ट होते थे। तो अब इसमें जो थोड़ी मुनफरद चीज है, थोड़ी यानी कि आपने समझने वाली चीज है, वो आपने आउटपुट यहाँ से स्टार्ट करना है, इस साइड से क्यू यानी कि Q0 और Q1, ये 0 0। अब यहाँ पे क्लॉक आप देंगे 1, जब 1 आएगा तो ये वाला 0 1, ये 0 0। अब जब दूसरी क्लॉक देंगे आप तो ये जब इस पे 1 आएगा ये 0 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 1। यानी कि जब 0 होगा यहाँ पे तो वो 1 हो जाएगा, आगे वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर इधर 1 आ जाए तो वो 0 होगा और वो वाला 1 आगे ट्रांसफर हो जाएगा। देखें पहले 0 0 था, यहाँ पे 1 आया तो ये 0 वैसे ही रहा, लेकिन जब इस पे क्लॉक 1 आई तो इसने अपना, ये तो 0 हो गया, इसने अपना 1 आगे ट्रांसफर कर दिया, ये 1। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 ही रहता, लेकिन 0 था तो ये 1 हो गया। अब देखें जब दूसरी तीसरी हमारे पास आउट स्टेट लेंगे, 0 1 हमारे पास था, इसके ऊपर जब आएगी ये 1 और अगला 1 एज इट इज। अब इस पे दोनों पे जब 1 1 आएगा तो 1 1 दोनों 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 बिट बनाने का तरीका है, क्लॉक 2 बिट बाइनरी काउंटर, और इसका ये है टेबल। अब देखिए इसी की आपने जो है ना टाइमिंग डायग्राम बनानी है। हमारे पास कितनी क्लॉक होंगी, 4 क्लॉक होंगी, ये देखिए 1 2 3 4। अब देखिए पहली हमने क्या लिया है, Q0 पे 0 यानी कि Q0 पे 0 और Q1 पे भी 0। फिर जो हमारे पास Q0 है वहां पे 1 है, ये देखें। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वैसे आपको मेंशन होगा कि आप यानी कि राइजिंग या ट्रेलिंग ऐसे जो है ना आप चेक करें यहाँ पे, यानी आपको डॉटेड लाइन लगी हुई होंगी। अगर नहीं लगी हुई हुई तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर लिया है, या आप मान लें कि आपके पास जो लीडिंग एज है या राइजिंग एज है,
तो यहां से लेकर 1 लाख यानी कि ये बनती है, दूसरी क्लाक जो है यहां तक बनती है, ठीक है, फिर तीसरी क्लाक बनती है यहां तक, फिर चौथी क्लाक बनती है जी ये मतलब यहां तक, ये क्लाक जो है यहां तक बन जाएगी। अब बाकी जो है ये हमारे पास बच गया। अब देखिए Q0 पे क्या है, मेरे पास इनिशियली इनिशियल में दोनों 0 0 है, Q0 भी 0, ये देखिए Q1 भी 0। अब जब मैंने क्लाक अप्लाई की थी ये Q0 क्या हो गया था 1, ये देखिए उसी टेबल को देके आपने वेव फॉर्म बनानी है, Q01 Q10 ये 1 ये 0 हो गया। अब जब दूसरी मैंने फिर क्लाक अप्लाई की ये 0 हो गया था ये 1 हो गया था, ये देखिए 0 1 पीछे वाले टेबल को देख के ये आपने बनाने, ये 0 ये 1, फिर मैंने क्लाक अप्लाई की ये दोनों 1 हो गए थे, फिर जब क्लाक अप्लाई की दोनों 0 हो गए। ये है 2 बिट बाइनरी काउंटर्स बनाने का तरीका, उसका टेबल है, उसी टेबल को देखते हुए आपने वेव फॉर्म बनानी है। अब देखिए आगे है 3 बिट के लिए, 2 बिट के लिए 4 स्टेट थी, अब अगर हमारे पास 3 बिट हैं तो उसकी कितनी होगी 8 स्टेट। फार्मूला होता है 2 की पावर n, जितने आपके पास यानी कि बिट होंगी उसको आप मल्टीप्लाई करवाएं, 2 की पावर 2 थी तो यानी कि 4 स्टेट, 2 की पावर 3 तो 8 स्टेट आ गई हमारे पास। अब देखें ये क्यू, मैंने कहा था इसमें फर्क यही है कि यहाँ से हम यानी कि स्टार्ट करते हैं Q000, ये तो है हमारे पास इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब इसमें जब आपने पहली क्लाक अप्लाई की ये 1 हो गया, आगे सारे 0 वैसे के वैसे। अब देखिए अब ये जो है 1, यहाँ पे जब क्लाक अप्लाई करूंगा ये तो 0 होगा, लेकिन ये वाला 1 आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ये देखें 0, ये वाला 1 आगे ट्रांसफर, आगे 0 वैसे का वैसे ही। ट्रांसफर सिर्फ 1 मरतबा होगा, ना कि 2 मरतबा होगा, सिर्फ 1 मरतबा वो आगे जाएगा। अब देखें ये 0 के ऊपर क्लाक अप्लाई होगी तो ये 1 ये वाला एज इट इज, ठीक है, और क्लाक सिर्फ उसी 1 के ऊपर अप्लाई होगी, ना कि हर एक नंबर के ऊपर अप्लाई होती रहेगी। अब देखें फिर जब मैंने अप्लाई की ये 1 1 आ गया, अब जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ये 1 क्या हो जाएगा, देखें ये वाला 1 क्या हुआ 0, 0 हो गया। अब ये 1 इसने आगे अपना ट्रांसफर करना है, बेशक वो 0 हो बेशक 1 हो, अब ये वाला 1 आगे ट्रांसफर करेगा ये 0 नहीं हो जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये डबल यानी कि दोनों 0 हो जाएंगे, ये वाला 1 आगे ट्रांसफर हो जाएगा ये वाला यहाँ पे। अब देखिए ये ऐसे है, अब जब क्लाक अप्लाई करूंगा ये 1 हो जाएगा, आगे 0 एज इट इज और 1 एज इट इज, फिर क्लाक जब अप्लाई करूंगा ये 0 हो जाएगा, ये आगे 1 ट्रांसफर कर देगा ये 1 एज इट इज। जब क्लाक अप्लाई करूंगा 7 क्लाक होगी, तीनों 1 हो जाएंगे, 8 क्लाक पे तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। अब जिस तरह हमने 2 बिट के लिए बनाई है उसी तरह से वेव फॉर्म, अब इसका लॉजिक सिंबल बस इसमें क्या होगा कि एक फ्लिप फ्लॉप आप मजीद ऐड कर देंगे, वही तरीकेकार है कि पहली इनपुट उसकी इन्वर्टर आउटपुट से, और ये इन्वर्टर आउटपुट उसकी क्लाक है, फिर दूसरी इनपुट जो है इसकी इन्वर्टर आउटपुट से, फिर वो उसकी क्लाक बन जाती है, सिर्फ 3 फ्लिप फ्लॉप उसमें बने हैं। अब देखिए टाइमिंग डायग्राम, 8 आपके पास क्लाक है, उन्हीं क्लाक को देखें पिछला टेबल ही फॉलो की है, ये 0 0 0 था, फिर 1 0 0 0 1 0, ये इसी को देखते हुए मैंने बनाया है, इसी टेबल को देखते हुए कि 1 क्लाक पे क्या है 2 क्लाक पे क्या है, उसी हिसाब से मैंने बनाया है। बस ये ध्यान रखना है कि Q0 ये है, Q1 ये है, Q2 ये है, इसी तरह से इस तरतीब में Q0 पे ये इनपुट आउटपुट होगी, Q1 पे यहाँ पे, Q2 पे यहाँ पे, फिर जो अगली क्लाक होगी Q0 की आउटपुट ये होगी, Q1 की आउटपुट ये होगी, Q2 की आउटपुट ये होगी, ये आपने कैसे देखना है कि यानी कि अगर राइजिंग के लिए लीडिंग के लिए ले रहे हैं तो यहाँ से लेकर एक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास यानी कि ये आपके पास जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, 1 क्लाक इतनी कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आप ले रहे हो यानी कि नेगेटिव ट्रिगर के लिए ले रहे हो या ट्रेलिंग के लिए ले रहे हैं तो आपकी क्लाक जो है यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जो है आपकी क्लाक जाएगी यहाँ तक, ये इस तरह से ये आपको मेंशन किया जाएगा, नहीं तो अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो आप अपनी मर्जी से या तो आप पॉजिटिव एज ट्रैकर यानी कि लीडिंग एज भी ले सकते हैं या नेगेटिव एज ट्रैकर जो है ट्रेलिंग एज भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर तो मेंशन नहीं किया हुआ, नहीं तो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाता है, जिस तरह हमने पहले यानी कि फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा है कि हर उसमें हमें मेंशन होता था कि जो इनिशियल क्लाक है 0 है 1 है, और आपके पास क्लाक की यानी के डायमेंशन भी मेंशन थी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ट्रिगर है। इसी तरह से आप बताते हैं 4 बिट के लिए, 4 बिट के लिए कितनी हो जाएगी हमारे पास क्लाक 16 हो जाएगी, बस वही उसके लिए टेबल 0 0 0 4 आ जाएंगी, Q0 Q1 Q2 Q3,
इसका लॉजिक जो हमारे पास देखें डायग्राम होगी, सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप मजीद ऐड हो जाएगा, ये F0, F1, F2, F3, बस उसमें ये आपने पहली इनिशियल जो है 0 0 देनी है, फिर 1 से स्टार्ट करनी है, अगर 1 होगा तो आगे अपना वो 0 के आगे अपना 1 ट्रांसफर कर देगा, इसी तरह से अगर 0 होगा तो उस पर 1 आ जाएगा, बस ये 16 तक यानी कि इसकी जो है ना आपके पास क्लाक बन जाएंगी, ये देखें 16 पे सारी की सारी 0 हो जाएंगी। फिर उसी को देखते हुए पिछले जो आपके पास टेबल दिया हुआ है उसी को देखते हुए ये उसकी आउटपुट बनाई गई है, यानी कि 1 पे जो है 0, ये देखें 0001 है 1 पे, देखें ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 आ गया। अब देखें अगली पे क्या है, 1000 है, अब देखें सेकंड क्लास पे 0100 है, 0100, 0100, ये पिछली क्लास को ही फॉलो करते हुए ये सारे जो है ना आउटपुट बनाई गई, यानी कि पिछले डाटा को जो आपके पास टेबल की फॉर्म में आया उसको देखते हुए आउटपुट बनाई गई है। अच्छा उसमें जो एग्जांपल आपके पास दी गई है एक 9.1 है, एग्जांपल 9.2 है, उसमें आपको यानी कि पूछा गया कि 4 बिट का सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर बनाए, और उसमें जो है ना ये तो आप टेबल बना के ये आपने इस तरह से बना लेना है, लेकिन एक और चीज पूछी गई टोटल डिले टाइम क्या होगा, वो आपके पास वो टाइम दिया गया है अगर, तो यानी कि बाकी चीजें भी आपके पास टाइम डिले मेंशन होगा और ये भी मेंशन होगा, तो आपने क्या करना है इसको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ये आपके पास 14 न्यूटन सेकंड आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ 14 न्यूटन सेकंड आ जाएगा, ये टाइम डिले आपके पास मेंशन किया हुआ होगा पूरा, दोनों चीजें 4 भी और 10 न्यूटन सेकंड भी। अब देखें कि टाइम डिले उसमें क्या है और कितने के लिए आपने लेना है, स्पेस के लिए कितनी स्पेस है आपके यानी कि उनके दरमियान, तो 4 है और 10 न्यूटन सेकंड है, ये 14 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, तो वो होती है 1 ओवर डिले टाइम, 1 ओवर 14 न्यूटन सेकंड, ये 25 MZ आ जाएगी। अब इसके आगे है, इससे थोड़ा सा चेंज है, एसिंक्रोनस डिकेड काउंटर। डिकेड काउंटर का मतलब क्या है कि हमारे पास देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास था ना 3 जो है हमारे पास यानी कि बाइनरी थी, उसका जो है ना सिंक्रोनस काउंटर बनाना था 3 बिट का, कितनी हमारे पास स्टेट आनी थी 8। अब अगर मैंने डिकोडर लगाना है 7 पे, तो मैंने सिर्फ करना क्या है, जो मेरे पास 8 तक स्टेट आउटपुट आती थी मैंने 8 तक नहीं जाना, 7 तक जाना है, और 7 में जो आउटपुट है उसमें जहां भी 1 1 है उसको 0 कर देना है बस, यानी कि मैंने अपनी मनपसंद आउटपुट लेनी है तो मैंने उसके ऊपर क्या लगाना है, डिकोडर लगाना है, बस ये बताया हुआ है इसमें। इसकी हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 9.2 में पूछा गया है कि आप 12 तक जो है ना डिकोडर यानी कि फाइंड करें, सिर्फ हमने करना क्या है 12 तक जाना है, तो हमने 4 बिट वाला जो जब टेबल बनाएंगे 16 स्टेट आएंगी उसमें, तो 11 तक जाके 12 में जहां भी 1 1 आ रहा होगा उसमें जो है हम उसकी आउटपुट को 0 0 कर देंगे, ये हम अभी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास है यहाँ पे एक तो एक वैसे ही एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि 10 का डिकोडर फाइंड करें, 10 का डिकोडर आपने किस तरह से फाइंड करना है, देखिए हमारे पास है यहाँ पे 3 बिट वाला, वो जो पिछली एग्जांपल थी मैं बता रहा था कि 4 और 10 आपको मेंशन किया हुआ होगा, ये देखिए आपको बताया गया होगा कि आप एक तो डिले टाइम यानी कि फॉर द टोटल डिले टाइम द इफेक्ट क्लॉक 8 और क्लॉक 16 मस्ट प्रोपेगेट थ्रू द फ्लिप फ्लॉप बिफोर Q3 चेंजेस, तो आपको ये चीजें मेंशन की हुई होंगी, सिर्फ आपने टोटल टाइम फाइंड करना है, डिले टाइम फाइंड करना है, तो ये उसका फार्मूला है और ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है। इससे ऊपर हम देखते हैं जो इसका 3 बिट का जो है ना आपके पास 4 बिट का टेबल आता है, ये देखें यहाँ पे जो है ना 4 बिट वाला जो टेबल है वो मेंशन नहीं किया हुआ, मैं अभी बता देता हूँ आपको, और ये देखें कि वहां पे जो है ना हमें एक चीज पूछी गई है कि आप लोग फाइंड करें किस पे 8 पे जो है ना डिके यानी के डिकोडर लगाएं, तो उस हिसाब से जो है ना आपने
फाइंड करनी है। तो 8 पे अगर आप यानी कि देखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आपने करना क्या है कि 7 तक जाके उसमें जो आपके पास है यानी कि 8 वाली आउटपुट, उसमें जहां भी 1 आ रहा है, ये देखें 12 पर पूछा गया, बल्कि ये देखें, तो जो ये है ना हमारे पास, यहाँ पे देखिए 12 पे क्या आ रहा है, 1100, यानी कि 11 तक हम जाएंगे आउटपुट में, जो 12 वाली आउटपुट आएगी 1100, वहां पे जाके हमने करना क्या है, 1 1 को 0 0 कर देना, बस ये हमारे पास 12 का डिकोडर आ जाएगा। अगर 8 की पूछी हुई है तो देखें ये 7 हमारे पास क्या है, 0111 है, यानी कि 1110 है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये आ जाता है 8 तक हमने देखना है, तो 8 वाली सिर्फ आउटपुट को क्या करना है, इसको भी 0 कर देना है, बस डिकोडर का मतलब ये है। अब हमारे पास एग्जांपल में क्या पूछा गया है कि 12 तक जाए, 12 में Q0 भी 0 है, Q1 भी 0 है, Q1 और Q2 क्या है हमारे पास, 1 1 है, और 11 इनपुट भी आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए 1101 है, 1101 है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि 1101, ये है हमारे पास। यहां पे देखें 15 पे क्या है, 1111, 15 पे हमारे पास आउटपुट थी, जो 16 की थी हमें, उसको सिर्फ हमने ये यानी कि ये है पिछली हमारी एग्जाम्पल। अगर इसी को भी हम ले लें पिछली एग्जाम्पल को, सिर्फ उसको जो है ना, जो हम यानी कि 16 की अगर डिकेड काउंटर ले रहे हैं, तो 16 को जो है ना हमने सिर्फ 0 कर देना, बाकी पिछली आउटपुट सेम रहेगी, बस उसमें मेंशन किया हुआ होगा कि आप 8 का डिकोडर फाइंड करें, यानी कि 8 पर डिकोडर लगाएं या 5 पर या 6 पर, बस हमने करना क्या है कि उससे पिछली वाली आउटपुट तक जाना है, उस आउटपुट पर जहां पे 1 होगा वो 0 कर देना है। देखिए हमारे पास है जी यहाँ पे 10 का डिकोडर, तो 9 में हमारे पास होता है 1 1 1, देखिए 1 0 फिर 0 और 1, ये है 9 तक। अब 10 की जो भी हमारे पास आउटपुट थी सबको 0 कर देना है, ये हमारे पास डिकोडर आ गया 10 का। अब इसी तरह से 9.2 में पूछा हुआ है कि जी 12 का डिकोडर फाइंड करें आप, ठीक है, तो 12 का डिकोडर जब हमने फाइंड करना है, तो 11 होती है यानी कि 12 वैसे होता है 1101, 12 जो हमारे पास आउटपुट आती है, यानी Q0 भी 1 होता है, Q1 भी 1 होता है, Q2 भी 0 होता है, Q3 भी 1 होता है, लेकिन जब हम उस पे यानी कि डिकोडर लगा रहे हैं, तो 12 पे सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ये देखें ये सारे के सारे 0 हो गए, बस उसकी आउटपुट जो है आपने 0 कर देनी है, ये उसका जो है ना डिकोडर बन जाता है। ये हमारा आज का लेक्चर था, मजीद अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।